Good afternoon, students. Welcome to the class. First of all, happy Independence Day to all of you. मेरी तरफ से आपको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है फाइंडिंग HCF यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड. HCF निकालेंगे कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड के जरिए. चलिए आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले समझते हैं HCF या GCF क्या होता है. HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम GCF ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं. द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, अगर हम दो नंबर की बात कर रहे हैं, ये इट इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट इज कॉमन टू बोथ द नंबर्स. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है जो कि दोनों नंबर्स में कॉमन होता है. इसका मतलब ये है दिस फैक्टर्स, ये ग्रेटेस्ट फैक्टर डिवाइड्स बोथ द नंबर्स कंप्लीटली, लीविंग द रिमाइंडर जीरो. अगर इन दोनों नंबर को मैं इस ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरा जीरो आएगा. इसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. अब देखिए ये 16/12 की एक रेक्टेंगुलर शेप है. अगर हम इसका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाले तो वो 4 आएगा. किस तरीके से, देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या है 16 और 12 के. 1 दोनों में कॉमन है, 2 वो भी दोनों में कॉमन है, 2 8 16 या 2 6 12 दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है, 4 4 16 4 3 12 1 2 and 4 ये कॉमन फैक्टर्स हैं. और इन तीनों कॉमन फैक्टर्स में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर 4 है. तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर. जो नंबर कॉमन होगा और सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ग्रेटेस्ट फैक्टर होगा, उसको हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं. 16 और 12 के केस में हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4. अब इसी को निकालेंगे कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड से. अभी कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड क्या है. कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड एक तरीका है, मेथड है HCF निकालने का, दो या तीन या उससे ज्यादा नंबर्स का. सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं बड़े नंबर को छोटे नंबर से. अगर मैं दो नंबर लेता हूं, उनमें से एक बड़ा होगा ऑब्वियसली, दूसरा छोटा होगा, तो बड़े वाले नंबर को हम छोटे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे. और जब नंबर को डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ रिमाइंडर हमें देखने को मिलेगा. अब ये जो रिमाइंडर आएगा, ये रिमाइंडर डिवाइजर बन जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाएगा. अब हम इस रिमाइंडर जो आएगा उससे जो प्रीवियस डिवाइजर था उसको डिवाइड करेंगे और ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता. और जो लास्ट डिवाइजर है, जो कि रिमाइंडर को जीरो लेके आया है, वो हमारा HCF बन जाएगा. दैट वुड बी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स. तो चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके बेस पे सॉल्व करते हैं इस मेथड के जरिए. पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा जिसमें दो नंबर्स का हम HCF निकालेंगे यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड. एग्जाम्पल हमारा है फाइंड द HCF ऑफ 35 and 45 यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड. तो उसमें स्टेप बाय स्टेप हम चलते हैं. पहला स्टेप मैं लेता हूं जिसमें हमें पता लगाना है बड़ा नंबर कौन सा है और छोटा नंबर कौन सा है. 35 and 45, 35 हमारा छोटा नंबर है, 45 बड़ा है. तो छोटे नंबर को हम डिवाइजर ले लेंगे, बड़े नंबर को डिविडेंड ले लेंगे. 35 छोटा है तो ये डिवाइजर बन गया, 45 डिविडेंड बन गया. इसको हम 45 को अंदर लिख लेंगे और 35 डिवाइजर है ये बाहर आ जाएगा. और अब डिविजन का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट डिवाइडिंग टिल द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर. डिविजन करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर डिवाइजर से यानी कि 35 से कम नहीं आ जाता. 35 1 35 ये हमने नीचे लिख लिया. अब हम 45 माइनस 35 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 10 आ गया. अब रिमाइंडर हमारा डिवाइजर से कम है, दैट इज 10 इज लेस देन 35. तो इसमें हमारा यहाँ पे स्टेप 2 कंप्लीट हो गया. अब देखिए स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, जो रिमाइंडर था दैट इज 10, ये हमारा डिवाइजर बन गया अगले स्टेप के लिए. और जो पहले डिवाइजर था जो 35 दैट वॉज द डिवाइजर इन द प्रीवियस स्टेप, वो हमारा डिविडेंड बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप के लिए यानी कि स्टेप 3 के लिए. ये देखिए 10 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन गया
35 जो पहले डिवाइजर था अब वो डिविडेंड बन चुका है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 35 को 10 से टिल द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर। डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, 10 थ्री जा 30 एंड फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, 35 माइनस 30 किया तो हमारा रिमाइंडर आ गया 5, 5 इज लेस देन 10। स्टेप 3 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, रिमाइंडर हमारा 5 था, यही रिमाइंडर अब डिवाइजर बन जाएगा और जो प्रीवियस डिवाइजर था दैट वाज 10, ये डिविडेंड बन जाएगा स्टेप 4 के लिए। अब ये देखिए 5 रिमाइंडर है, ये डिवाइजर बन गया, 10 दैट वाज डिवाइजर इन द प्रीवियस स्टेप, नाउ इट बिकम्स डिविडेंड इन द स्टेप 4। अभी हम प्रोसेस को डिवीजन का प्रोसेस करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता। आगे बढ़ते हैं, 5 2s are 10 एंड 10 माइनस 10 इज जीरो, रिमाइंडर हमारा जीरो आ गया। अब ये पूरा प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। एंड द लास्ट डिवाइजर इज योर HCF, जो लास्ट डिवाइजर था दैट वाज 5, जिसने इस डिवीजन के प्रोसेस में रिमाइंडर को जीरो कर दिया, ये हमारा HCF बन जाएगा उन दोनों नंबर्स का। तो हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, द HCF ऑफ 35 एंड 45 इज 5। अब ये पूरा प्रोसेस आप देखिए, 35 सबसे पहले डिवाइजर था, फिर वो डिविडेंड बन गया, रिमाइंडर 10 डिवाइजर बन गया, अब ये 10 फिर डिविडेंड बन गया, नेक्स्ट स्टेप के लिए 5 रिमाइंडर आया वो डिवाइजर बन गया। अब इस डिवाइजर ने डिवीजन के प्रोसेस में रिमाइंडर को जीरो कर दिया, तो 5 इज द HCF ऑफ 35 एंड। तो ये एग्जांपल था जिसमें हमने दो नंबर्स लिए और उनका HCF निकाला थ्रू कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। अब आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम 3 नंबर लेंगे और कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड के जरिए उसका HCF निकालेंगे। फाइंड द HCF ऑफ 144, 120 एंड 384 यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिवीजन मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम ये करेंगे, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, 144, 120 और एंड 384 को हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 120 सबसे छोटा, उससे बड़ा 144 और लास्ट में लिख देंगे 384। तो इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज कर दिया। अब हमारा स्टेप 2 आता है, टेक फर्स्ट टू नंबर्स, जो पहले दो नंबर्स हैं उसको ले लेते हैं, 120 एंड 144 को हमने ले लिया। अब इसमें हम आगे बढ़ेंगे, मेक बिगर नंबर एज डिविडेंड एंड स्मॉलर नंबर एज डिवाइजर, जो हमने सबसे पहले किया था दो नंबर्स जब लिए थे। अब इसमें 120 और 144 है, छोटा नंबर 120 है तो वो डिवाइजर बन जाएगा, बड़ा नंबर 144 है तो वो डिविडेंड बन जाएगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, 120 को डिवाइजर कर दिया, 144 डिविडेंड हमने अंदर लिख दिया। अब डिवीजन का प्रोसेस हम स्टार्ट कर देते हैं, डिवाइड टिल द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर, 120 वन्स आर 120, अब 144 माइनस 120 हमारा आ जाता है 24, रिमाइंडर हमारा 24 आ गया जो कि डिवाइजर से कम है। अब हम आगे बढ़ेंगे, अगला स्टेप लेंगे जिसपे हमारा 24 जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर बन जाएगा, और जो प्रीवियस डिवाइजर था यानी कि 120 ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा। अब फिर से डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, डिवाइड टिल द रिमाइंडर इज लेस देन द डिवाइजर या जीरो आ जाए तो हमारा प्रोसेस ही पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, 120 को 24 से डिवाइड करके देखते हैं, 24 फाइव्स आर 120 एंड 120 माइनस 120 दैट इज जीरो, हमारा रिमाइंडर जीरो आ गया। तो ये पूरा डिवीजन का प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया, तब तक हम करते रहे जब तक हमारा रिमाइंडर जीरो नहीं आ गया। अब इन दोनों नंबर्स का 120 और 144 का HCF 24 निकल के आएगा, क्योंकि यही लास्ट डिवाइजर था जिसने रिमाइंडर को जीरो कर दिया। तो ये दो नंबर लिए थे 120 एंड 144, तो हम बोलेंगे 24 इज द HCF ऑफ 120 एंड 144। स्टूडेंट्स अभी हमारा प्रोसेस स्टेप्स कंप्लीट नहीं हुए, क्योंकि अभी हमारा तीसरा नंबर दैट इज 384 बचा है। अब हमें पता लगाना है क्या 24 384 का भी फैक्टर है
या नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 7 पे बढ़ते हैं। जो एचसीएफ आया 120 और 144 का, दैट इज 24, उससे डिवाइड करेंगे हम 384 को। बस 384 को हमने डिविडेंड ले लिया और 24 को हमने डिवाइजर ले लिया और डिविजन का प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। 24 एंड 38 माइनस 24 हमारा आ जाता है 14। अब देखिए एक नंबर, एक डिजिट और बची है, तो इसको हम ड्रॉप डाउन करेंगे। ये हमने ड्रॉप डाउन किया 4 को, तो ये बन गया 144। 144 बड़ा है 24 से, तो डिवीजन प्रोसेस अभी हम करते रहेंगे। 24 6 आर 144 एंड 144 माइनस 144 0, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यानी कि 24 ने 384 को भी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 0 कर दिया, यानी कि 24 भी फैक्टर है 384 का, और 24 ऑलरेडी एचसीएफ था 120 एंड 1। तो इससे ये साबित होता है कि 24 इन तीनों का एचसीएफ है, दैट इज 24 इज द एचसीएफ ऑफ 120, 144 एंड 384। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आया होगा कैसे कॉन्टिन्यूड डिविजन मेथड से हम नंबर्स का एचसीएफ निकालते हैं। अब सारी चीजों को रिकैप कर लेते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है दो नंबर का? ये ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है जो कि दोनों नंबर्स में कॉमन होता है। इसका मतलब ये फैक्टर इन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब रिमाइंडर जीरो आने वाला है। कॉन्टिन्यू डिविजन मेथड में सबसे पहले हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर आता है वो डिवाइजर बन जाता है नेक्स्ट स्टेप के लिए, और जो प्रीवियस डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाता है। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक रिमाइंडर जीरो नहीं आ जाता, और जो लास्ट डिवाइजर जिसने रिमाइंडर को जीरो किया होता है वो हमारा एचसीएफ बन जाता है नंबर्स के लिए। तो ये हमारा रिकैप हो गया। अब आपके लिए एक छोटी सी वर्कशीट है जिसको आप अटेम्प्ट कीजिए। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 27, 81 एंड 45 यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिविजन मेथड। आपको इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ निकालना है यूजिंग कॉन्टिन्यूड डिविजन मेथड। अब आपने जो स्टेप्स लर्न किए हैं उसी के बेसिस पे आप इनका एचसीएफ निकालेंगे। तो आप इसको पॉज कीजिए और इसका एचसीएफ निकालिए। अगर जो इसका आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।